हे गाइस, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। आप हमें IG, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड यस, वो जो बेल का आइकन बना हुआ है ना, उसे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो यस, तैयार एंड लीसा जब से पेरिस गया है वहाँ पे उन्होंने अपने काफ़ी फैंस से मिला है। लाइक जो लकी फैंस थे वो तैयार एंड लीसा से मिल पाए। इतना ही नहीं गाइस, उन लोगों ने डिनर भी किए हैं साथ में। एंड आपने कई वीडियोस में देखा होगा तैयार एंड लीसा को साथ में घूमते हुए। सो यस, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो जो हिप हॉप आइडल जो सेलिब्रिटीज है वो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इस बहाने वो मिल पाएंगे। एंड आप में से कितने लोग BTS एंड ब्लैकपिंक के कोलैबोरेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो? वेल गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ना पेरिस में बियॉन्से भी आने वाली है। सो हो सकता है कि तैयोंग लीसा एंड वोगुम बियॉन्से से भी मिले। एंड इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि तैयोंग ने अपने IG पे जो पोस्ट अपडेट किए वहाँ पे उन्हें एक एफिल कार गिफ्ट में मिला है, जो कि सैलिन ने दिया है। एंड तैयोंग एफिल कार के पास पहले भी विजिट कर चुके हैं, उसके साथ उन्होंने सेल्फी लिए है जहाँ पे एक इंडियन आदमी ने टाइप पूछा था, है ना। एंड गाइस, ये बात भी बिल्कुल सच है कि तैयोंग ना फर्स्ट टाइम गए हैं बिना BTS मेंबर्स के किसी भी एयरपोर्ट कंट्री में। लाइक जब भी तैयोंग गए हैं ना, तो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ ही गए हैं। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि ब्लिंक्स भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज लीसा पेरिस गए हैं। एंड इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले ही लीसा पेरिस गई थी, वहाँ पे उन्होंने एक ज्वेलरी कैंपेन को अटेंड किया था। एंड वहीं पे वो इंडियन देशी गर्ल से भी मिली थी। वेल, आप मुझे कॉमेंट में उस इंडियन देशी गर्ल का नाम बता सकते हो जिसके पिक्स को लीसा ने अपने IG पे शेयर किया था। एंड ओब्वियसली उस देशी गर्ल ने भी अपने IG पे लीसा के साथ वाली पिक्स को शेयर किए थे। लेकिन यहाँ पे ना जो ब्लैक पिंक के ब्लिंक्स एंड जो BTS के आर्मीज है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट ये है कि ना BTS एंड ब्लैक पिंक के जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट टाइम एक बिगेस्ट कॉन्टेस्ट या इवेंट्स का हिस्सा बनने वाले हैं। एंड गाइस, आपने देखा ही होगा कि तैयोंग के होटल रूम के पास ही, बालकनी के पास ही तैयोंग ने काफ़ी फोटोज क्लिक करवाए थे। एंड उस फोटोज में हम देख सकते हैं कि तैयोंग के बैकग्राउंड में फेमस एफिल टावर है पेरिस का। एंड इसके अलावा जो सैलिन है उन्होंने भी तैयोंग को एफिल टावर का चॉकलेट केक दिया, जिसको हमने तैयोंग को खाते हुए देखे थे। एंड तैयोंग ने उसकी वीडियो बना के भी अपलोड किए। उसके कुछ देर बाद लीसा, तैयोंग एंड वोगुम एक साथ डिनर करने के लिए गए थे। एंड इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा। एंड गाइस, जैसे तीनों मेंबर्स खाना खा के निकले तो जितने भी फैंस हैं ना, उन लोगों ने उनकी फोटोज़ लेना स्टार्ट कर दिया। इस समय पे वो फोटोज़ वो वीडियोज बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। एंड इसके बाद फैंस ने अपना अपना रिएक्शन दिया है। वेल गाइस, आप में से ही क्यूटी पाई ने मुझे इंस्टा पे एक पिक सेंड किया है जिसमें लीसा एफिल टावर के सामने है। एंड उन्होंने बहुत अच्छा सा पोज दिया हुआ है, एंड शी इज़ लुकिंग सो क्यूट। तो यहाँ पे उस क्यूटी पाई ने मुझसे पूछा कि देखो जो मेंबर्स है ना, तैयोंग, लीसा एंड वोगुम, कितने मजे कर रहे हैं, लाइक ये लोग एफिल टावर भी घूम के आ गए। सो मैं उस क्यूटी पाई को कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने पिक भेजा है वो 2021 का है, एंड अभी 2022 है। तो अभी लीसा ने कोई भी ऐसा पिक अपलोड नहीं किया है जिसमें कि एफिल टावर के सामने हो। एंड यस, तैयोंग ने पिक जो अपलोड किए हैं उनके होटल के पीछे ही एफिल टावर है। तो मे भी जितने भी मेंबर्स थे इंडिविजुअली मिलने गए, है ना, लेकिन अभी तक किसी ने भी पिक अपलोड नहीं किया है। हो सकता है इसकी वजह ये भी हो क्योंकि उनको शिप किया जाता है, है ना। तो यस, ये बात तो पक्का है कि जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजे कर रहे हैं पेरिस में। एंड होप कि आपके जितने भी कन्फ्यूज़ हैं सभी क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू, बाय बाय।